Hello students, so today we are going to talk about the new lecture and very interesting and important lecture, that is biotechnology. Okay, so we'll be starting with biotechnology principles and processes in this lecture. So I hope aapne previous jo chapter chal raha tha uske lecture sab acche se dekh liye hai, you gone through each and every lecture, aapne acche se notes bana di hai, aur notes nahi banayi hai to aap notes bana ke mujhe bhej do. So aaj se we are starting the new chapter, that is biotechnology. Biotechnology principle and processes. Principle and processes. ठीक है ना, what does biotechnology stands for? ठीक है, तो biotechnology अगर word को break करे, so what do we get? We get three terms. We get bio, we get techno, and we get logy. तीन चीजें मिलेगी आपको, that is bio. Bio का मतलब होता है living चीजें. Bio का मतलब होता है living चीजें, living organism. ठीक है, techno का मतलब क्या होता है? Techno का मतलब तो आपको पता है, that is technology. या फिर टेक्निक. एंड लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी. लॉजी का मतलब होता है स्टडी, दैट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द स्टडी ऑफ टेक्निक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, दैट इज टर्म्ड एज बायोटेक्नोलॉजी. दैट इज टर्म्ड एज बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, सो बायोटेक्नोलॉजी स्टडी टेक्निक एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो आप किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टेक्निक्स को यूज करके कोई नई चीज बना सकते हो या कोई ऐसी चीज बना सकते हो जो ह्यूमन काइंड के लिए बेनिफिट हो. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन Federation of Biotechnology, EFB. Biotechnology is defined as integration of natural science or sciences. Integration of natural sciences integration of natural sciences and living organisms. And living organisms. And living organisms, या फिर आप cells ले लो या फिर parts ले लो, cells, parts या फिर molecular analogs. या फिर molecular analogs. ठीक है, for various product, for various products and services, for the mankind. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी का वो क्या है कि यार दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, ठीक है, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर सेल्स या फिर पार्ट्स या फिर मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स
and services for the mankind. Okay, products and services to the mankind. To the mankind. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट बायो टेक्नोलॉजी कि यार बायो टेक्नोलॉजी में क्या किया जाएगा. सो दिस इज अ डेफिनेशन दैट हैज टू बी मेमोराइज्ड. ठीक है, आपको मैंने वर्ड तो ब्रेक करके दिखा दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्निक्स और स्टडी. नाउ बायो टेक्नोलॉजी हैव बीन यूज्ड फ्रॉम मेनी मेनी ईयर्स. ओके, काफी टाइम से बायो टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है. तो अगर बायोटेक्नोलॉजी को डिफरेंशिएट कर देते हैं इन क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो एक सबसे बेसिक मेथड जो अपन यूज करते हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड या फिर फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स. तो वहां पे भी क्या हो रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बट दैट इज द क्लासिकल पार्ट, ओल्ड पार्ट. So biotechnology can be further split into the classical part of biotechnology and the modern part of biotechnology. The classical part and the modern part. So classical, jo maine bataya, we have been using it from many many years. So classical mein we can talk about formation of organic acids. Formation of organic acid likh sakte hain, ya fir citric acid. ठीक है, या फिर आई कैन ऑल्सो पुट इट एज फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल. फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल ठीक है, दैट इज थ्रू विच प्रोसेस दैट इज सो फर्मेंटेशन. या फिर आई कैन ऑल्सो यूज कर्ड मेकिंग, या फिर आई कैन ऑल्सो यूज कर्ड मेकिंग. ठीक है, सो दिस आर ऑल द क्लासिकल पार्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी मेनी इयर्स. ओके, अगर मैं मॉडर्न पार्ट की बात करता हूं, सो मॉडर्न पार्ट कैन बी पुट एज जेनेटिक मैनिपुलेशन, एज जेनेटिक manipulation. I hope आपको manipulation का मतलब पता है, manipulate करना. manipulate is change according to our requirement. तो genetic manipulation में मैं क्या करूंगा, genes को change करूंगा according to my requirement. So अगर genes change हो जाते हैं तो जो phenotypic characters है वो भी change हो जाएंगे. So modern biotechnology में what do? We perform genetic manipulation. We change the organism according to our requirement. So that is genetic manipulation. Aur kya kar sakte? So there is another technique that is recombinant DNA technology. There is recombinant DNA technology. And we can also put here genetic engineering. Genetic engineering भी डाल सकते हैं यहां पर. ठीक है, सो क्लासिकल पार्ट एंड दी मॉडर्न पार्ट. नाउ मॉडर्न पार्ट की से ये जो मैंने टेक्निक्स यहां पर लिखी है, दिस आर वेरी सिंपल. यहां पर कोई आपको ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस आर वेरी बेसिक टेक्निक्स. दही बनाना, यू डोंट रिक्वायर बिग इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर एल्कोहल फॉर्मेशन, नो बिग इंस्ट्रूमेंट्स. But when you talk about modern biotechnology, there's a lot of instruments required. Okay, there are a lot of materials required as well. The modern biotechnology is only possible because of two things. One of them is restriction enzymes. क्या है restriction enzyme? क्या है बताता हूँ मैं.
और दूसरी जो चीज है दोज आर दी प्लाज्मिड्स. तो यहां पे लिखते हैं द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें, सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज ओनली पॉसिबल, ओनली पॉसिबल ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. I'm sorry. Let's talk about the parts of modern biotechnology first. So the first part, that is genetic engineering. That is genetic engineering. And another part is chemical engineering. The two main parts of modern biotechnology is genetic engineering and chemical engineering. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है? सो जेनेटिक इंजीनियरिंग डील्स विद मैनिपुलेशन ऑफ द डीएनए. डीएनए दैट इज चेंजिंग द जेनेटिक मटेरियल, मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए. व्हाइल केमिकल इंजीनियरिंग डील्स विद डेवलपिंग स्टराइल कंडीशंस और द स्टराइल एनवायरमेंट फॉर माइक्रोब्स by using bioreactors. Chemical engineering में लिखे गए developing sterile conditions for microbes by using bioreactors. ठीक है, bioreactors are big chambers which provide optimum temperature, optimum pH for the microorganisms to grow and produce the products. ठीक है, सो केमिकल इंजीनियरिंग में आप इसी कंडीशंस डेवलप करने की कोशिश करोगे जहां पे बैक्टीरिया माइक्रोब्स अच्छे से ग्रो कर सके, उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिले, ऑप्टिमम पीएच मिले, सो दैट देयर प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूस आपको चाहिए उन बैक्टीरिया में से वो अच्छे से आपको मिल पाए. सो दैट इज केमिकल इंजीनियरिंग. ठीक है, नाउ अगर सिंपल वर्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, सो जैसे कि इफ आई वांट टू मेक अ हाइब्रिड, अगर मैं कोई चीज का हाइब्रिड बनाना चाहता हूं तो मैं वो दोनों चीजों को क्रॉस करा सकता हूं. लेट्स से देयर आर टू प्लांट्स, प्लांट वन एंड प्लांट टू. ठीक है, देयर इज प्लांट वन एंड देयर इज प्लांट टू. तो अगर ये दोनों जो प्लांट्स हैं, एक प्लांट के पास देयर इज हाई यील्डिंग प्लांट, मतलब काफी ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन करता है, और ये जो दूसरा प्लांट है इसकी जो यील्ड है यील्ड काफी कम है. ठीक है, सो मैं यहां पे लिखता हूं दिस इज लो यील्डिंग प्लांट, क्रॉप काफी कम मिलेगा. तो यार ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो मैं आप लिखता हूं दिस इज प्लस क्वालिटी, दिस इज माइनस क्वालिटी. लो यील्ड, अगर आपके पास जो प्लांट है उसकी यील्ड क्रॉप काफी कम दे रहा है तो वो तो बहुत लो क्वालिटी होगी, तो मैं नेगेटिव लिख रहा हूं, ये पॉजिटिव लिख रहा हूं. प्लांट वन की एक पॉजिटिव क्वालिटी और दूसरी पॉजिटिव क्वालिटी क्या है कि इसमें डिसीज जल्दी हो जाती है. दिस प्लांट इज डिसीज ससेप्टेबल, मतलब more chances of getting disease
It is disease susceptible. डिसीज ससेप्टेबल है मतलब चांसेस डिसीज के चांसेस काफी ज्यादा है. और यहां पे इस प्लांट के पास एक पॉजिटिव क्वालिटी ये आ जाती है कि इट इज डिसीज रेजिस्टेंट. क्या है? डिसीज रेजिस्टेंट. This is susceptible. यहाँ पे disease होने के chances ज़्यादा है plant one को disease होने के chances काफी कम है क्योंकि उसके पास ability है, उसके पास genes है जो उसको क्या provide कर रहे हैं, एक ऐसी quality provide कर रहे हैं कि उसको disease नहीं होगा. तो now if I cross this plant, मुझे ये दोनों plus plus qualities चाहिए, याली quality चाहिए मेरा hybrid plant में. तो अगर मैं hybrid plant बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, I'll take plant one and cross it with plant 2. ठीक है, तो जब plant 1 को आप cross कराओगे, reproduce कराओगे plant 2 के साथ, so there is a chance कि दोनों positive quality आ सकती है. That is high yield भी आ गया साथ में इस plant के अंदर और disease resistant भी आ गया. तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि मैं प्लांट वन और प्लांट टू को क्रॉस कराता हूं तो मुझे जो कैरेक्टर्स चाहिए थे, डिजायर्ड हाई यील्डिंग एंड डिसीज रेजिस्टेंट, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे प्लांट के हाइब्रिड प्लांट के पास आ जाती है. बट देयर इज आल्सो चांस कि लो यील्ड एंड डिसीज होने के चांसेस ज्यादा, डिसीज ससेप्टेबल वाली कंडीशन भी आ सकती है आपके प्लांट के अंदर अगर आप दोनों प्लांट को क्रॉस करा रहे हो. ये कंडीशन आपको नहीं चाहिए थी फिर भी आ गई है. तो उस केस में आपका जो हाइब्रिड है वो हाइब्रिड क्या हो जाएगा? वो तो वेस्ट हो जाएगा ना, वो हाइब्रिड कुछ काम का ही नहीं है क्योंकि उस हाइब्रिड के पास दोनों ऐसी क्वालिटीज है, दोनों नेगेटिव क्वालिटीज है जो आपको नहीं चाहिए थी. तो अगर आप क्रॉस कराते हो प्लांट वन और प्लांट टू को तो देयर इज अ चांस कि हाई यील्ड और डिसीज रेजिस्टेंट भी आ सकता है. There's a chance low yield and disease susceptible भी आ सकता है. मतलब जब आप हाइब्रिड प्लांट बनाते हो तो आपके कंट्रोल में नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर आएगा. ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि जो टेक्निक है दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें, सो हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट इन आवर कंट्रोल, इज not in our control. क्यों control में नहीं है? क्योंकि यहां पे जो जीन सिलेक्ट होगा, यहां पे जो जीन सिलेक्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन में, वो तो अपने हिसाब से होने वाला है. इट इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड ऑन इट्स ओन. ठीक है, बट इफ आई टॉक अबाउट जीनेटिक इंजीनियरिंग, इफ आई टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, तो उस केस में क्या है, मैं जीन्स को सिलेक्ट कर सकता हूं. I can select the genes. तो मैं क्या करूंगा, याला जीन सिलेक्ट कर लूंगा और याला जीन सिलेक्ट कर लूंगा, याला जीन सिलेक्ट कर लूंगा प्लस वाला जीन और याला जीन सिलेक्ट कर लूंगा. तो अब जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, अब जो मुझे ऑर्गेनिज्म मिलेगा, प्लांट मिलेगा, दैट प्लांट इज गोइंग टू बी हैविंग बोथ दी कैरेक्टर्स जो मुझे चाहिए. तो मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने यहां पे जेनेटिक मैनिपुलेशन किया. तो अगर मैं जेनेटिक मैनिपुलेशन करूंगा तो जितनी बार मुझे प्लांट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, मेरे डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाला प्लांट मिलेगा. तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ड्यू टू जेनेटिक मैनिपुलेशन और बायोटेक्नोलॉजी वी आर एबल टू ऑब्टेन कैरेक्टर्स ऑफ our requirement in the plant. ठीक है, तो hybridization technique में आपके control में नहीं, it's not in our control, वो automatically select होगा. but when you talk about genetic manipulation, if you talk about the biotechnology, तो उस case में we are able to obtain characters of our own requirement in the plant.
ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज द डिफरेंस, यहाँ पे आएगा बट देयर इज अ चांस कि ना भी आए, बट यहाँ पे तो 100% जो नया प्लांट बनेगा वो आपके डिजायर्ड कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा, उसके अलावा नहीं बनेगा। ठीक है, सो द होल प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर द होल प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज डिपेंडेंट ऑन टू मेन थिंग्स। नॉर्मली इफ यू कैन टर्म इट एज द प्रोसेस एज कट कॉपी पेस्ट या फिर कट एंड पेस्ट, आपने एक जीन कट किया आपके रिक्वायरमेंट का एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में से, उसको लेके पेस्ट कर दिया दूसरे ऑर्गेनिज्म में। कट और पेस्ट क्या, जैसे मैं बोल रहा हूँ इतना सिंपल नहीं है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग, बट इन सिंपल वर्ड्स आपने एक जीन कट किया प्लांट ए में से और उसको पेस्ट कर दिया प्लांट बी में, वो जीन आपके रिक्वायरमेंट का था। ठीक है, तो वो प्लांट के अंदर, प्लांट बी के अंदर वाला कैरेक्टर आ सकता है जो जीन के पास था। ठीक है, डिजायर्ड कैरेक्टर। नाउ जो बायोटेक्नोलॉजी, इसके जो दो मेन पिलर्स है, द टू मेन रिक्वायरमेंट्स और टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, फर्स्ट ऑफ देम इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज प्लाज्मिड, दैट इज प्लाज्मिड। ठीक है, नाउ व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, सो दिस एंजाइम्स आर एक्चुअली टर्म्ड एज बायोलॉजिकल सीजर्स। ये क्या करती है, डीएनए को कट करने का काम करते थे, हेल्प इन कटिंग द डीएनए। दे आर टर्म्ड एज बायोलॉजिकल सीजर्स, क्या काम करते हैं, दे कट डीएनए। जैसे मैंने बोला कट कॉपी पेस्ट, तो मुझे एक जगह से डीएनए कट करना पड़ेगा, जीन कट करना पड़ेगा, फिर दूसरी जगह पेस्ट करना पड़ेगा, तो जो कटिंग का काम है वो कौन करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सो दे आर बायोलॉजिकल सीजर्स, दे कट द डीएनए। कहां से ऑब्टेन होता है, सो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोड्यूस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बैक्टीरिया प्रोड्यूस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, नाउ व्हाई आर बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, बैक्टीरिया क्यों खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो यहां पे एक चीज है, जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है और वो वायरस को भी, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। तो वायरस का डीएनए कहां आ जाएगा, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ आ जाएगा और फिर क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस के कंट्रोल में आ जाएगा। तो वायरस, द बैक्टीरिया वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ द वायरस डीएनए, है ना, बैक्टीरिया वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ द वायरस डीएनए। तो उस वायरस के डीएनए को मारने के लिए, अपने डीएनए में से निकालने के लिए बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आ रही बात आपको समझ में, जैसे कि लेट्स से दिस इज द बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटीरियल है, तो वायरस क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल यहां पे लगा देगा। ठीक है, तो अपना जेनेटिक मटेरियल जब वो यहां पे बैक्टीरिया के डीएनए के साथ डाल देगा तो क्या होगा, जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, जब बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाएगा तो जेनेटिक मटेरियल भी वायरस का बढ़ता जाएगा। ठीक है, और वायरस के कैरेक्टर्स आ जाएंगे बैक्टीरिया के पास, तो बैक्टीरिया ये नहीं चाहता। तो बैक्टीरिया इस डीएनए को अपने डीएनए से निकालने के लिए किसको यूज करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करता है कट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं, bacteria produce restriction enzymes to cut or remove viral DNA, to cut or remove viral DNA from
their from their genetic material. Bacteria produce restriction endonuclease to cut or remove the viral DNA from their genetic material. ठीक है, so that it can restrict the multiplication of viral DNA. So the bacteria can restrict. So the bacteria can restrict the multiplication of viral DNA. समझ में आ गया ना? तो viral DNA, वायरस जब एंटर हो गया बैक्टीरिया के अंदर, तो वो क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया को दे देगा. तो बैक्टीरिया को जेनेटिक मटेरियल को निकालना अपने पास से, तो उससे बचने के लिए, उसको अपने डीएनए से निकालने के लिए बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं. तो इफ वी वॉन्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम द बैक्टीरिया. अगर बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के लिए अपन को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, सो वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दोज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फ्रॉम द बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया ने क्यों प्रोड्यूस किया हो, तो मैंने आपको बता दिया, सो दैट द जेनेटिक मटीरियल कैन बी रिमूव्ड. अच्छा, मैं यहाँ पे एक और नाम दे देता हूँ, जो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफाज. कहाँ लिखे, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, those are termed as bacteriophage. Those are termed as bacteriophage. ठीक है, simple and easy. Now talking about the other part, plasmid. Plasmid आपको पता होगा, आपने 9th standard में सुना था, the small circular DNA or extra genetic material which is present in the bacteria or the prokaryotic cell. Small circular extra genetic material in prokaryotes, उसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है. इट्स अ जेनेटिक मटेरियल, इट्स अ स्मॉल सर्क्यूलर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जो प्रोकैरियोट्स में आपको देखने को मिलता है. और इसको बायोटेक्नोलॉजी में किस काम में यूज किया जा रहा है, तो इट इज यूज एज अ वेक्टर. इट इज यूज्ड एज अ वेक्टर. वेक्टर का मतलब क्या हुआ, सो यहां पे वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल. इट इज यूज एज अ व्हीकल. व्हीकल मतलब ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा. किस में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा. किस चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, टू ट्रांसपोर्ट द जीन ऑफ अ इंटरेस्ट. अगर मुझे कोई जीन किसी के अंदर इंसर्ट करना है, तो मुझे उस जीन को अटैच करना पड़ेगा प्लाज्मिड के साथ, और फिर मैं उस जीन को इंसर्ट करूंगा किसी के सेल के अंदर. तो यहां पे प्लाज्मिड जो है, इट इज व्हीकल, इट इज वर्किंग एज अ वेक्टर. वेक्टर मतलब व्हीकल, ओके, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा. तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट. क्या कर रहा है, इट हेल्प्स इन, इट वर्क्स एज अ कैरियर ऑफ अवर डिजायर्ड जीन. ठीक है, इट वर्क्स एज अ कैरियर ऑफ अवर डिजायर्ड जीन. वो अपने डिजायर्ड जीन को कैरी करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो दिस आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द बायोटेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड द प्लाज्मिड. A small circular extra genetic material in the prokaryotes, it is used as a vector and it is a carrier for our desired gene. ठीक है, तो plasmid भी bacteria से निकालेंगे और restriction enzyme को भी कहां से निकालेंगे, bacteria में से निकालेंगे. Clear है?
ओके नाउ ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो मैंने अभी बताया, ये क्या करता है, बैक्टीरिया में से वायरल डीएनए को निकालता है, इट कट्स द वायरल डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो अगर वो कट लगा रहा है तो आपको पता है कि डीएनए सीक्वेंस होता है, एजीटीसी होता है। लेट्स से दिस इज एजीटीसी, एजी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज टी सी ए जी टी सी ए जी, ठीक है, ये अपना बैक्टीरियल सीक्वेंस है और उस बैक्टीरियल सीक्वेंस में वायरल सीक्वेंस में ले लेता हूँ, तो वायरल सीक्वेंस भी मैं ले लेता हूँ सेम, ये सेम सीक्वेंस आ गया, ठीक है। सो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है अगर वो इस वायरल सीक्वेंस को पहचानता है, इफ इट वांट्स टू कट हियर, तो ये सेम सीक्वेंस तो यहां पे भी अवेलेबल है, तो वो यहां पे भी तो कट लगा सकता है, इट कैन कट हियर एज वेल, क्योंकि सीक्वेंस तो सेम है, एजीटीसी यहां पे भी है, एजीटीसी यहां पे भी है, तो वो इसकी जगह यहां पे भी तो कट लगा सकता है। तो किस तरीके से इसको बचाया जाएगा, तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाइज वायरल जेनेटिक मटीरियल। पहली बात तो वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाई करेगा वायरल जेनेटिक मटीरियल को, और फिर क्या करेगा, उसको कट लगाएगा। बट अगर सेम जेनेटिक मेकअप बैक्टीरियल डीएनए का भी है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पे भी तो कट लगा सकता है। मैं यहां पे लिखूंगा, इफ सेम जेनेटिक सीक्वेंस इज प्रेजेंट विथ बैक्टीरियल डीएनए तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इफ द सेम सीक्वेंस इज प्रेजेंट विद द बैक्टीरियल डीएनए तो अब क्या होगा, वो यहां पे भी कट लगा सकता है ना, ठीक है। सो टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस, सॉरी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो अपने साथ एक और एंजाइम को कैरी करता है, उस एंजाइम का नाम है मिथाइलेज एंजाइम। क्या नाम है, मिथाइलेज एंजाइम। ये मिथाइलेज एंजाइम क्या करता है, जो बैक्टीरियल डीएनए है जिसका सीक्वेंस इसके साथ मैच करता है, उसे क्या कर देगा, उसे मिथाइलेट कर देगा, उसके अंदर वो मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं, टू अवॉइड सच प्रॉब्लम मिथाइलेज एंजाइम, टू अवॉइड सच प्रॉब्लम मिथाइलेज एंजाइम एड्स मिथाइल ग्रुप टू बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। तो यहां पर कौन सा एंजाइम आ गया, मिथाइलेज एंजाइम। सो टू अवॉइड सच प्रॉब्लम कि यार ये वायरल डीएनए और सेम सीक्वेंस अगर यहां पर भी प्रेजेंट है तो बट ऑब्वियस है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको भी कट लगा सकता है, इसको भी कट लगा सकता है। तो ऐसा ना हो इसीलिए जो मिथाइलेज एंजाइम क्या करेगा, यहां पे ये जो सीक्वेंस है इसके साथ किसको ऐड कर देगा, इसके साथ ऐड कर देगा मिथाइल ग्रुप को, किसको ऐड कर देगा, मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर देगा ऐसे सीक्वेंस के साथ। तो अब क्या होगा, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको अटैक, इसको कट नहीं कर सकता है, जहां पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहीं पे कट करेगा। So identifies viral genetic material and cuts it. ठीक है, समझ में आ गया। तो bacterial DNA के पास क्या होगा, methyl group present होगा और viral DNA के पास present नहीं होगा, तब जाके restriction enzyme क्या करेगा, जहां पे methyl group present नहीं है वहां पे cut लगा देगा, ठीक है, simple and easy. So the restriction enzyme and the methylase enzyme together they are termed as restriction modification system. They are termed as restriction modification system.
restriction enzyme, endonuclease enzyme plus methylase enzyme. Both of them, they work as restriction modification system. रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहा जाएगा, ठीक है. मिथाइलेज क्या करेगा, बैक्टीरिया वाले पार्ट को मिथाइलेट कर देगा डीएनए को, सो दैट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन कट द वायरल डीएनए. डन. नाउ यहां पे एक और चीज आपको याद रखनी है कि यार जो कट है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है डीएनए को, वो कट कहां लगता है. सो इट ऑलवेज मेक्स अ कट on the DNA site which has palindromic sequence. ठीक है, वो वही कट लगाएगा डीएनए के ऊपर जहां पे कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है, पैलिंड्रोम मतलब वैसे वर्ड्स जो जिसको आप आगे से रीड करो या पीछे से रीड करो वो सेम होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट मलयालम, ठीक है, अगर मैं मलयालम वर्ड की बात करता हूं तो आप यहां से रीड करो या इसको उल्टा रीड करो, ये सेम रहने वाला है, इट्स गोइंग टू बी सेम. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कट लगाता है डीएनए के ऊपर, डीएनए साइट के ऊपर, उस साइट पे क्या होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डीएनए 5-2 3- और यहां पे क्या होता है 3-2 5- होता है. तो यहां पे अगर कट लगाना है तो यहां पे सीक्वेंस जो होना चाहिए दैट शुड बी GAATTC, और नीचे की तरफ क्या सीक्वेंस होगा CTTAAG. तो ये क्या हो गया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया. अगर इसको आप ऐसे पढ़ो GAATTC, उल्टा पढ़ो तो क्या होगा CTAAG. तो यहां पे कट लगेगा, द कट इज गोइंग टू बी एट दिस प्लेस, दिस इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. तो वो रैंडमली जाके कहीं पे भी कट नहीं लगाएगा, इट इज ओनली गोइंग टू मेक अ कट एट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ द डीएनए. So now let's talk about the types of restriction enzyme. So we have three major types. Types of restriction enzyme, RE. So we have three types. We have class 1. We have class 2. And we have class 3. ठीक है, so now what is the difference between class 1, class 2 and class 3? So class 1 requires Mg2+, ATP and S-adenosylmethionine. For functioning. ठीक है, जो क्लास वन के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है इनको क्या चाहिए, इनको Mg2+ चाहिए, ATP चाहिए, S-adenosylmethionine चाहिए फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग. क्लास टू का जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इट रिक्वायर्स Mg2+ and ATP, दो ही चीज चाहिए इसे. और क्लास थ्री का जो है इट रिक्वायर्स Mg2+, ATP, S, एडीनोसाइल मिथ्योनिन. ठीक है,
आप देख सकते हो ये दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है फॉर द फंक्शनिंग. ठीक है, नाउ जो क्लास वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये कट कहां लगाते हैं? तो आपको याद रखना है कि जैसे कि ये डीएनए सेगमेंट है और यहां पे साइट है कट लगाने की, देयर इज अ साइट फॉर ये सीक्वेंस पे कट लगाना है. तो ये जो क्लास वन के एंजाइम्स है ये इस सीक्वेंस के आगे या पीछे कट लगाएंगे, सीक्वेंस के ऊपर कट नहीं लगाएंगे. दे वुड कट द डीएनए अवे फ्रॉम द सीक्वेंस. ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज द प्लेस वेयर आई नीड टू मेक अ कट. डीएनए के ऊपर ये जगह है जहां मुझे कट लगाना है, बट क्लास वन एंजाइम उस सीक्वेंस पे कट नहीं लगाएंगे, वो सीक्वेंस के आगे या पीछे कट लगाएंगे. तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दे कट अवे फ्रॉम द सीक्वेंस. दे कट अवे फ्रॉम सीक्वेंस. द सेम इज फॉर द क्लास थ्री एंजाइम, कट अवे फ्रॉम सीक्वेंस. क्लास टू जो है वही मेन सीक्वेंस पे कट लगा. ठीक है, तो मैं लिखूंगा इट मेक्स अ कट एट दी, जहां पे मुझे कट लगानी थी वहीं पे कट लगाएगा. कौन? क्लास टू. ठीक है, तो बट ऑब्वियसली अब क्या हो गया, मैं याला एंजाइम क्लास वन यूज नहीं कर सकता हूं, मैं क्लास थ्री यूज नहीं कर सकता हूं, बिकॉज ये लोकेशन पे कट नहीं लगाते, दे कट अवे फ्रॉम द सीक्वेंस. डीएनए को कट करते हैं बट जहां पे कट होना चाहिए वहां से अलग, नॉट एट द प्लेस वेयर आई वांट द कट टू बी. बट क्लास टू कहां कट लगाता है? जहां पे सीक्वेंस अवेलेबल है वहीं पे कट लगाता है. सो दिस इज द वन विच इज गोइंग टू बी यूज्ड. अब ये कट सही से नहीं लगा रहा, फर्स्ट वाला जो है वो ठीक से कट नहीं लगाएगा, आगे पीछे लगाएगा, क्लास थ्री वाला भी आगे पीछे लगाएगा. तो जो फ्रेगमेंट्स मिलेंगे डीएनए के, उन डीएनए को क्या, उन फ्रेगमेंट्स को कहा जाएगा, दे आर गोइंग टू बी टर्म्ड एज हेटरोजीनस फ्रेगमेंट्स. क्योंकि कहीं पे भी कट लगेगा, डिजायर्ड जगह पे कट नहीं लगेगा. दिस आर ऑल्सो हेटरोजीनस फ्रेगमेंट्स. ठीक है, पर यहां पे क्या होगा, यहां पे जो कट लगेगा दैट इज गोइंग टू बी, जो फ्रेगमेंट मिलेगा कट लगने के बाद, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज होमोजेनस फ्रेगमेंट. दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज होमोजेनस फ्रेगमेंट. ठीक है, सिंपल एंड इजी. तो जो वाइडली यूज एंजाइम है इन जेनेटिक्स और इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज क्लास टू. दैट इज क्लास टू, क्योंकि ये एक प्रॉपर सीक्वेंस पे कट लगाता है, सीक्वेंस के आगे नहीं पीछे नहीं, एट द सीक्वेंस. सो दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड इन मेजर ऑफ द केसेस. ठीक है, ओके. नाउ ये तो टाइप्स हो गए, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री. More than 900 restriction enzymes have been isolated up till now from 230 different strains of bacteria. More than 900 restriction enzymes have been extracted or have been isolated from 230 different strains of bacteria. From, क्योंकि bacteria से ही मिलेगा ना आपको restriction enzyme. So more than 900 restriction enzymes have been extracted from 230 strains of
ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, सो एक नाम मैं लिखता हूं यहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ये जो मैंने नाम लिखा है दिस इज इको आर वन। क्या लिखा है? इको आर वन। यहां पे जो ई है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जहां से एक्सट्रैक्ट किया है जिस बैक्टीरिया में से, उस बैक्टीरिया के जीनस को मेंशन करता है ई। तो यहां पे जीनस हो गया एस्केरिया ठीक है, एस्केरिया, और को जो है CO वो रिप्रेजेंट करता है उसके स्पीसीज को। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इसका स्पीसीज क्या है? तो स्पीसीज इज कोलाई, स्पीसीज इज कोलाई। तो पूरा नाम क्या होगा? एस्केरिया कोलाई। ठीक है, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आर रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी स्ट्रेन को। किसको? स्ट्रेन को। आर रिप्रेजेंट्स इट्स स्ट्रेन, तो इसकी जो स्ट्रेन है उसका नाम है RY13। द स्ट्रेन ऑफ दिस बैक्टीरिया जहां से इसे एक्सट्रैक्ट किया है वो स्ट्रेन का नाम क्या है? RY13 स्ट्रेन का नाम है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। इट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, दैट मींस फर्स्ट बार जो एक्सट्रैक्ट किया था, फर्स्ट बार। ओके, सो दैट इज फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट लिखा हुआ। आर इज द स्ट्रेन, को इज द स्पीसीज एंड ई इज द जीनस, दैट इज एस्केरिया कोलाई की जो स्ट्रेन नंबर है RY13 और उसमें से जो फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्ट किया था, सो दैट इज इको आर वन। ठीक है, नाउ जो मैं बता रहा था कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करता है बट दे हैव अ डिफाइनेट रिकग्निशन साइट। तो जो इको आर वन का जो डिफाइनाइट साइट है जहां पे इको आर वन वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा कट लगाएगा, दे कट एट डिफाइनाइट साइट। ठीक है, सो दिस डिफाइनाइट साइट आर टर्म्ड एज रेकग्निशन साइट, दे आर टर्म्ड एज रेकग्निशन साइट फॉर होम, फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जो इको आर वन है उसका जो डिफाइनाइट साइट है, रेकग्निशन साइट है, वो है जैसे डीएनए सीक्वेंस है, GATTC एंड CTTAAG, ये सीक्वेंस है किसका? इको आर्बन का। पैलिंड्रोमिक तो है वो तो दिख ही रहा है आपको, तो जब भी आप इको आर्बन यूज करोगे तो इको आर्बन क्या करेगा? डीएनए के ऊपर जहां पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा वहां पे कट लगाएगा, और जो कट होता है वो कट इस तरीके से लगेगा, जो कट है वो कट इस तरीके से लगेगा। तो कट हो जाने के बाद ये किस तरीके से दिखेगा डीएनए? सो दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, यहां पे बचेगा जी और बाकी के पास क्या रहेगा? AATTC 3-, ठीक है, और नीचे वाली स्ट्रैंड के पास क्या रहेगा? सो नीचे वाली स्ट्रैंड के पास रहेगा CTTAA।
और इसके पास क्या रहेगा जी, इस तरीके से कट लगेगा। तो ये जो जी है इसके पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, यहां पे फॉस्फेट ग्रुप का प्रेजेंस होगा और यहां पे कौन से ग्रुप का प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंस होगा। देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप There is going to be presence of hydroxyl group at this end and phosphate group at this end. तो ये जो cut लगा है, this cut is known as tagged cut. इस cut का एक specific नाम, it is termed as staggered cut. ठीक है, और जब भी staggered cut लगेगा तो जो आपको DNA fragments मिलेंगे, ये जो ends है, ये एंड्स क्या है, ये कभी भी एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री, दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, दे कैन बाइंड टू ईच अदर। तो जो कट लगा है यहाँ पे वो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, दो फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे और जो एंड्स है, दिस एंड्स आर टर्म्ड एज स्टिकी एंड्स। क्या कहा जाएगा उन एंड्स को, स्टिकी एंड्स कहा जाएगा क्योंकि वो कभी भी एक दूसरे के साथ स्टिक हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब आप बात करोगे इको आर वन की, दैट इज स्कराई कोलाई, तो वो कट कहां लगाता है, तो वो कट लगाता है याने डीएनए सीक्वेंस पे। कैसा कट लगाता है, स्टैगर्ड कट लगाता है। और जब भी स्टैगर्ड कट लगेगा तो जो एंड्स प्रोड्यूस होगे उन्हें कहा जाएगा स्टिकी एंड्स, द एंड्स आर टर्म्ड एज स्टिकी एंड्स। ठीक है, नाउ एक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखते हैं। SMA1, so यहां पे S stands for जो मैंने बताया था अभी genus, that is Serratia, that is Serratia, that is Serratia। MA क्या रिप्रेजेंट करेगा, MA species को रिप्रेजेंट करेगा, that is Marsens, that is Marsens। MARCESCENSE, ठीक है, Marsens, दिस इज द नेम, दैट इज Serratia Marsens। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये तो स्ट्रेन रिप्रेजेंट करेगा, आपको पता है। ठीक है, सो नाउ इसका याला रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है, इसका रिकॉग्निशन साइट, डिफाइनेट जगह कहां पे ये कट लगाएगा, तो ये एक डिफाइनेट जगह पे जो कट लगाएगा, दैट इज पैलिंड्रोमिक तो है ही। ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस वेयर इट इज गोइंग टू मेक अ कट, कौन, याला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और जो कट लगेगा यहां पे, ये कट लगाता है बीच में से, इसका कट लगता है बीच में से। तो अब क्या होगा, जो डीएनए सेगमेंट्स मिलेंगे 5-3, दे वुड बी जी सी 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 जी जी जी, दैट इज 3-, दैट इज 5-। तो कट लगा इस तरीके से। तो ये जो कट लगा है, दिस इज नोन एज ब्लंट एंड कट, दिस इज नोन एज ब्लंट एंड कट कहा जाता है इसे। और जो एंड्स मिलते हैं यहां पे, दिस एंड्स आर टर्म्ड एज ब्लंट एंड्स या फिर फ्लैश एंड्स, दे आर टर्म्ड एज ब्लंट एंड्स या फिर फ्लैश एंड्स। समझ में आ गया। तो SMA1 नाम का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसका रिकॉग्निशन साइट, डिफाइनेट कट लगाने का साइट कौन सा है, ये। ठीक है, और उसका कट कैसा है, ब्लंट एंड कट है।
जो एंड्स मिलेगा उन्हें ब्लंट एंड्स कहा जाएगा या फिर फ्लैश एंड्स कहा जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सो नाउ एक और देख लेते हैं, एक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लेते हैं, जैसे कि ALU1। ठीक है, सो ALU1 इज आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस, इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस। इसका रेकग्निशन साइट कौन सा है? सो द रेकग्निशन साइट इज AGCT एंड TCGA। ठीक है, AGCT एंड TCGA, दिस इज द रेकग्निशन साइट फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ALU1 जो एक्सट्रैक्ट किया है कौन से बैक्टीरिया से? आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस से। दिस इज 5-3-3-5- और जो कट लगता है वो है ब्लंट एंड कट। ठीक है, जो कट लगता है वो है ब्लंट एंड कट। ठीक है, और जो एंड्स मिलेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? फ्लैशी एंड्स, या फिर हम सॉरी उन्हें कहा जाएगा फ्लैश एंड्स। तो जो कट लगा दैट इज ब्लंट एंड कट, और जो एंड्स मिलेंगे दोस्तों गोइंग टू बी टर्म्ड एज स्टिकी एंड्स। ठीक है, तो आप समझ गए ना यहाँ पे किस तरीके से मिलेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 5-AG और अलग हो जाएगा वो CT एट द 3-, और यहाँ पे 3- पे देयर इज TC। ठीक, डन। सो दिस वाज अबाउट आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस। डैम एच वन भी ले लेते हैं, ठीक है, तो डैम एच वन की बात करें, सो दिस इज बेसिलस अमाइलो लिक्विफिकेंस, The name is Bacillus amyloliquificans. ठीक है, इसका जो recognition site है जहां पे ये कट लगाता है that is This is the site जहां पे ये कट लगाने वाले। This is 5-3-3-5-. ठीक है, और या जो कट ये लगाता है that is the staggering cut। कौन सा कट बोलेंगे? This is the staggered cut। ठीक है, and staggered cut में हमेशा क्या मिलेंगे? Sticky ends मिलेंगे। क्या मिलेंगे? Sticky ends। ठीक है, staggered cut and we get what? Sticky ends। Okay। एक और ले लेते हैं cell one, that is Streptomyces albus। This is a restriction enzyme, जहां से extract करो उसका नाम मैं लिखूंगा, that is Streptomyces albus। ठीक है, इसका जो रिकग्निशन साइट है जहां पे ये कट लगाने वाला है याला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज ठीक है दिस इज द साइट 5-3-3- पे क्या आ जाएगा? CAGCTG। ठीक है,
जो कट लगेगा यहां पे भी इन केस ऑफ सेल्विन दैट इज गोइंग टू बी स्टैगर्ड कट, स्टैगर्ड कट। ठीक है, और कौन से एंड्स मिलेंगे? स्टिकी एंड्स मिलेंगे इन केस ऑफ सेल्विन एज वेल। ठीक है, नाउ एक और एंजाइम है जिसका रिकग्निशन साइट सेम है बट जो कट वो लगाएगा वो डिफरेंट तरीके से लगाएगा। तो मैं सीक्वेंस सेम रखता हूं और मैं एंजाइम का नाम चेंज करता हूं। सेल वन के केस में ये वाला डिफाइनेट साइट है, रिस्ट्रिक्शन साइट है, रिकग्निशन साइट है जहां पे सेल वन कट लगाने वाला है और जो कट लगेगा दैट इज स्टैगर्ड कट। बट मैं एक और एंजाइम का नाम लेता हूं, सिक्वेंस सेम रखूंगा और एंजाइम का नाम है हाइंड टू। क्या नाम है? हाइंड टू। ठीक है, सो हाइंड टू इज हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो अगर हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इसका जो रिकग्निशन साइट है, डिफाइनेट साइट है जहां पे ये कट लगाता है ये एंजाइम, दैट इज सेम एज सेल वन। बट सेल वन के केस में स्टैगर्ड कट था, इसके केस में जो कट लगेगा वो लगेगा ब्लंट एंड। ठीक है, कौन सा कट लगेगा? ब्लंट एंड कट लगेगा। सो दिस इज गोइंग टू गिव सीक्वेंस इज सेम, ब्लंट एंड कट। ठीक है, तो जो एंड्स हो गए दूसरा टर्म्ड एज फ्लैश एंड्स। ठीक है, तो इसका रिकग्निशन साइट साइट सेम एज सेल वन बट द कट पैटर्न इज डिफरेंट, बट द कट पैटर्न इज डिफरेंट। ठीक है, समझ में आ गया? तो हाइन थ्री और सेल वन का जो रिकग्निशन साइट है सेम है बट जो कटिंग का पैटर्न है वो डिफरेंट है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता देता हूं हाइन टू के बारे में, इट वॉज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड। कौन सा? हाइन टू। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बायोटेक्नोलॉजी के जो थोड़े बहुत टॉपिक्स आपने देखे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द प्लाज्मिड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर गोइंग टू सर्व एज अ वेक्टर। सो गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपरली बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको हर पॉइंट जो मैंने इस लेक्चर में बोला है यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे सो दैट जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएगी इसके बाद उसमें आपको समझ में आएगा। जब मैं बात करूंगा हाइन टू के बारे में या फिर मैं सेल वन के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी वुड बी टॉकिंग अबाउट सर्टेन टेक्निक्स जहाँ पे ये सब चीज़ों को यूज किया जाएगा। सो इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट द टर्म्स तो आपको आगे वाले लेक्चर्स में प्रॉब्लम आएगी। सो मेक श्योर यू गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपरली, मेक नोट्स प्रॉपरली और जब आपकी नोट्स बन जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। थैंक यू।